नमस्कार, सुप्रभात। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्रेम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में, और मेरा नाम है अभिषेक ए शर्मा। आज है 23 सितंबर 2024, दिन है सोमवार। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। तो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खेल रहे हैं, वो एक्सपर्ट बन ही गए हैं, और दो और विजेता नए बन गए हैं हमारे चैनल से। अभी मैं बताऊँगा आपको, दिखाऊंगा भी। और आज जो है 72वां दिन है इसको इसका, और एक महीने के आसपास का और कुछ रह गया है। ये नाम है दैनिक भास्कर, पढ़ो जीतो रोज 100 इनाम, यानी कि इसमें 100 जने डेली जीत सकते हैं। और आज जो है वॉशिंग मशीन के विजेताओं के भी नाम आए हैं। तो कोई खेलेंगे उससे पहले जो है मैं आपको विजेताओं के नाम बता देता हूँ, क्योंकि आज जो है वॉशिंग मशीन के विजेताओं के नाम आए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा प्राइज़ है। हमारे चैनल से पहले एक जीत भी चुके हैं वॉशिंग मशीन, और सबसे पहले बड़ा प्राइज़ है, तो मैं आपको उसी के विजेताओं के नाम बताता हूँ। तो ये 15 सितंबर से 21 सितंबर के बीच के विजेताओं के नाम की बात है। और सबसे पहला नाम है इसमें रितु जैन, राजस्थान से हैं, 30678303678। पीयूष अग्रवाल राजस्थान से ही हैं, 1770517705। धे नीरव रावल गुजरात से, 20494204। कल्पेश राठौड़ हैं गुजरात से, 333033300। जतिन दुबे छत्तीसगढ़ से हैं, 860138613। तो ये भाग्यशाली विजेता वो हैं जिनको वॉशिंग मशीन मिलेगी, और जिनको ये प्राइस मिला है डफल बैग, वो हैं 70वें नंबर के कोई इसके विजेताओं के नाम। सबसे पहले राजस्थान के हैं, और ये मोबाइल के आखिर के 5 अंक होते हैं, और आप जिस भी राज्य में आते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो इसकी फॉरवर्ड करके देख सुन लीजिएगा, क्योंकि 100 नाम नंबर बताने में बहुत समय जाएगा आपका भी मेरा भी। तो राजस्थान के बाद आपको दिखेंगे गुजरात के विजेताओं के नाम, उसके बाद मध्य प्रदेश के आएंगे। आज गुजरात के विजेताओं के नाम अधिक आए, रोज कम आते हैं, ज़्यादा आए। गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ के आएंगे। छत्तीसगढ़ का केवल एक नाम आया है आज, केवल एक नाम। फिर बिहार, झारखंड, पंजाब, पंजाब का देखिए केवल एक नाम आया है। हरियाणा, चंडीगढ़, महाराष्ट्र। तो ये सभी विजेताओं को दैनिक भास्कर की ओर से हार्दिक बधाई। आपको दैनिक भास्कर की टीम कांटेक्ट करेगी। एक और नई अपडेट आई है, किसी विजेता ने बताया जैसे प्राइज़ आप जीतते हैं ना, तो जिस दिन आपका विजेता लिस्ट में नाम आता है उस दिन आपके पास फ़ोन आता है, और एक दिन बाद में आता है। तो आप एक दिन पहले से लेके एक दिन बाद तक मान के चलिए, और अपने फ़ोन का विशेष ध्यान रखिएगा। अब जो है क्विज़ खेल लेते हैं हम। एक और क्विज़ है दैनिक भास्कर वालों का, उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊँगा। तो ये है कि ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देश में कहाँ होगा। ए है कोलकाता, बी है मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुंबई में होगा। और दूसरा है टेस्ट क्रिकेट में किसकी जीत अब हार से ज़्यादा है, यानी हार से अधिक है। ऑप्शन ए भारत, बी बांग्लादेश। तो हमारा प्रिय भारत देश है ये, और बांग्लादेश का इसमें कहीं भी नाम नहीं है, और ये चौथे या पाँचवें नंबर पर आ गया है। क्विज़ खेलेंगे कैसे, आप इस क्यू आर कोड को स्कैन करके खेल सकते हैं, या इस नंबर पर डायल करेंगे, मैसेज आएगा, उसमें लिंक होता है, लिंक पर क्लिक करके रीडायरेक्ट होकर आप नए पेज पर जाते हैं। टर्म कंडीशंस को एग्री करना होता है, अपनी डिटेल्स को भरना होता है। अपनी जानकारी भरने के बाद, दो क्वेश्चंस के आंसर सबमिट करने के बाद आप लकी ड्रॉ में एंटर कर जाते हैं। विजेताओं का चयन जो है लकी ड्रॉ के माध्यम से किया जाता है। हजारों लाखों जने जो भी डेली खेलते हैं, और लकीली जो है लकी ड्रॉ सिस्टम में इनका नाम आ जाता है, उन्हीं का विजेता लिस्ट में नाम आता है। तो ये सब रैंडमाइजर सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है, रैंडमली जो है चुने जाते हैं, तो किसी का भी नाम आ सकता है। चांसेस बढ़ाने के लिए आपको डेली खेलना है, हमारे चैनल पर जितने क्विज हैं सबको खेलना है, अलग अलग समय पर खेलना है। और एक अपडेट और मिली है, जो विजेता हैं उन्होंने ही बताई है, जैसे कि मैं बताता हूँ आप अलग अलग समय पर खेलिए, जैसे कभी सुबह, दोपहर, शाम, रात, है ना, इस तरीके से। तो उन्होंने बताया कि 8 बजे के बाद अगर खेलते हैं ना आप, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। उन्होंने बाद में खेला था शायद, मैंने बताया था तो उसको फॉलो किया होगा उन्होंने, तो 8 बजे के बाद खेला था, तो उनका जो है विजेता लिस्ट में नाम आ गया, वो विजेता बन गए।
तो 8 बजे के बाद आप खेल के देखिए, अब तक जब खेल रहे हैं ना कुछ दिन, आप 8 बजे खेलिए तो हो सकता है आपका भी जो नाम आ जाए जिनका नहीं आ रहा है। तो इसलिए वीडियो में मैं बताता रहता हूँ, जो पूरे सुनते हैं है ना, देखते हैं, तो उनको ये सब टिप्स ट्रिक्स आइडियाज़ जो है मैं देता रहता हूँ, वो उसको फॉलो करते हैं और विजेता बन जाते हैं। बाकी जो केवल आंसर देखते हैं वो तो खेले ही जा रहे हैं सालों से, कोई जो किसी में नहीं जीते। तो यही कारण है, कोई खेलने से मतलब नहीं है, मालूम होना चाहिए हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आप लिंक जो है अपने पास सेव करके रखा करिए, डेली एक ही लिंक रहता है आपको, डेली ना QR कोड स्कैन करना है ना ही बेल करनी है, और अपने ही लिंक से खेलना है, किसी और के दिए हुए आपको लिंक से नहीं खेलना। अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपके GK के लिए, जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी। तो ये बात हो रही है ब्रिटिश रॉक बैंड कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट देश में, तो ये कहाँ पर होगा? ये मुंबई में, नवी मुंबई में होगा, और स्टेडियम है वहाँ पर DY पाटिल स्टेडियम, वहाँ पर होगा, अगले वर्ष होगा 18, 19 और 21 जनवरी को। और इसकी टिकट जो है कल से ही ऑनलाइन शुरू हुई थी, कहाँ पर? बुक माई शो पर, आपने नाम सुना होगा, मूवीज़ भी बुक होती हैं, तो वहाँ पर बुकिंग स्टार्टिंग हुई थी। और बुक माई शो वाले बता रहे थे कि लगभग 1.3 करोड़, 1.3 करोड़ फैंस ने जो है ऐप पर लॉगिन किया, और इनका जो है सर्वर ही क्रैश हो गया कि इतने आते नहीं है वैसे, और इनके लिए बुकिंग के लिए इतने आए। तो ये ऑनलाइन बुकिंग है, तो यदि आपको पसंद है ये चीज़ें, आप जाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाके आप पसंद करते हैं तो बुक कर सकते हैं, इसलिए जो मैंने आपको जानकारी दे दी इस बारे में। और स्टेडियम की जो क्षमता है ना वो 45,330 सीट्स की है, 45,330 सीट्स। और जो इनकी थीम है, टैगलाइन है, वो है म्यूज़िक ऑफ द स्पेयर्स वर्ल्ड टू 2025, म्यूज़िक ऑफ द स्फेयर्स वर्ल्ड टू 2025, क्योंकि अगले वर्ष होगा अभी 2024 से 25 में है, तो इस 2025। और टिकट की कीमतों की बात करें तो 2,500 से 35,000 रुपये के बीच में है, 2,500 to 35,000। भारत में 9 वर्ष पहले यानी कि 9 साल पहले 2016 में भी इनका कॉन्सर्ट हो चुका है, और ये 1997 में लंदन में बना था, 1997 में। ये आपने देखा होगा ना, जैसे कोई गिटार बजाता है, कोई कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता है, कोई गाता है, इस तरीके से 3-4 जनों की टीम होती है, तो ये शायद 4 जनों की टीम है जो ये करते हैं प्रोग्राम। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, विदेशी आ रहे हैं, अंग्रेज लोग आ रहे हैं अलग अलग, उनको देखने इतने लोग जाते हैं, हमारे भारत में इतने अच्छे कला हैं, उनके कॉन्सर्ट होते हैं, उनके वो होते हैं, तो ज़्यादा लोग नहीं जाते इतने, जितनी भीड़ जानी चाहिए, बड़े बड़े फेमस नाम है केवल उन्हीं के देखने जाते हैं। और इनको अंग्रेज लोग भी देखते हैं विदेश में, भारतीय भी पसंद करते हैं, हमारे भारतीयों को भारतीय नहीं पसंद करते, और विदेश में फिर भी जो है पसंद करते हैं लोग, इसलिए हमारे भारतीय वहाँ जाके प्रोग्राम करके आते हैं। और इनके और भी जगह प्रोग्राम होंगे, पहले जो है 11 जनवरी को अबू धाबी में होगा, जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में, फिर 18-19 अपने 20-21 में यहाँ पर है, 18-19, 20 या 21 में DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम में, फिर अप्रैल 2025 में 9, 11, 12 अप्रैल को हांगकांग के काइटॉक स्टेडियम में होगा, और 16, 18, 19 और 22 को सियोल में होगा, गोयांग स्टेडियम में। तो ये यहाँ पर भी इनके जो है ये होने हैं। बात करें दूसरे प्रश्न की, तो टेस्ट मैच जो होता है वो 5 दिन का होता है और कुल जो है 30 घंटे का होता है, तो चौथे दिन ही भारत ने पहले टेस्ट में बांग्लादेश को 280 रन से हराया, 280, और चौथे दिन ही हमारी जो है भारतीय टीम जीत गई। और ये लिस्ट जैसे मैंने बताई थी, चौथे पांचवें नंबर पे आती है, सबसे नंबर वन पे अभी ऑस्ट्रेलिया चल रही है, फिर इंग्लैंड, फिर दक्षिण अफ्रीका, अब भारत जो है पांचवें नंबर से चौथे नंबर पे आ गई है। और हालांकि दक्षिण अफ्रीका और भारत सेम है 179 पे, लेकिन उनकी हार कम है, भारत की अधिक है, तो इसलिए जो है उनसे पीछे है दक्षिण अफ्रीका से, लेकिन फिर भी आगे आई है, एक दिन नंबर वन भी हो जाएगी। तो ये थी इसको इसकी बात, ये आपकी अच्छी जनरल नॉलेज के लिए है। बाकी जो है विजेताओं के नाम मैंने आपको बता ही दिए, एक ये क्विज और है दैनिक भास्कर वालों का, राजनीति बात पॉलिटिकल क्विज है, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, केवल हरियाणा के लोगों के लिए है। और ये देखिए हमारे चैनल के 2 नए विजेता जो मैंने आपको बताया था, पहले के तो मैं दिखाता ही आ रहा हूँ, ये विजेता हैं राजनीति बात पॉलिटिकल क्विज के, और ये हैं पढ़ो जीतो के एक और नए विजेता हमारे चैनल से। और एक ये क्विज है अमेज़ॉन KVC का,
आज रात्रि में 12 बजे से पहले यानी कि 11:59 तक खेल सकते हैं। वैसे 9 बजे से पहले खेलिएगा क्योंकि 9 बजे लाइव होता है, हो सकता है उसके बाद बंद हो जाए, तो ये नहीं खेला है तो खेल लीजिए। 5 जने जो है इसमें लखपति बनते हैं, 1-1 लाख रुपए आपको मिलेंगे आपके अमेज़ॉन पे बैलेंस में। बाकी ये सभी क्विज हैं, वीडियो आपको सभी के चैनल पर मिल जाएंगे, आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी होगी। राजनीतिवाज में ब्रीफ केस के विजेता हैं, ये पॉलिटिकल क्विज में आपको ये सारे इनाम मिलते हैं। और ये जो है स्मार्ट वॉच के विजेता, ये वॉशिंग मशीन के जो अभी मैंने आपको दिखाए थे, और ये इलेक्ट्रिक केटल के हैं, ये टिफ़िन बॉक्स मिलता है आपको, ये ईयरबड्स मिलते हैं, और ये सभी प्राइजेस मिलते हैं आपको। 100 डेली इनाम में ये, 5 मंथली इनाम में 2 व्हीलर, और 5 वीकली इनाम में ये, तो ये सभी प्राइज आपको मिलेंगे। और जो मैंने आपको बताई चीज़ें उनको फॉलो करिएगा और जीतने के अपने चांसेस बढ़ाइएगा। बाकी मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपना अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक के शर्मा, आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट लक फ्रेंड्स, नमस्ते, शुभ दिन। कोई इसकी टाइमिंग की बात करें तो 18 घंटे तक लाइव रहता है, यानी कि आज रात में 12 बजे से पहले 11:59 तक आप इसको कभी भी खेल सकते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे।